जनाधिकार छात्र परिषद ने सिंडिकेट का किया घेराव। सिंडिकेट घेराव का मुख्य मांग, बीएड सत्र 2022 से 24 नामांकन का उच्च स्तरीय जांच किया जाए और बीएड का फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरा जाए नियम पर नियम के विपरीत। बीएड नामांकन घोटाला करने वाली नोडल अधिकारी अशोक मेहता को अभिलंब पद से बर्खास्त किया जाए। परीक्षा विभाग और डाटा सेंटर की समस्याओं से प्रतिदिन हजारों की संख्या में जूझ रहे छात्रों का समस्या अभिलंब समाधान हो। जिला बारह स्नातक स्नातकोत्तर के छात्रों के लिए काउंटर खोलकर समस्याओं का समाधान करे। विश्वविद्यालय में अधिकारियों द्वारा पोषित दलाल बिचौलियों को चिन्हित कर छात्रों के शोषण को बंद करें और वैश्य असामाजिक तत्वों को विश्वविद्यालय में प्रवेश बंद हो। छात्रों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करने वाले छात्र नेताओं पर फर्जी मुकदमा अविलंब वापस लो। अविलंब शैक्षणिक कैलेंडर जारी करे। समय पर कक्षा परीक्षा तथा परीक्षा परिणाम बिना किसी त्रुटिपूर्ण का संचालित कर सत्र को नियमित करे। प्रत्येक माह होने वाले बैठक सिंडिकेट का बैठक एक वर्ष बाद क्यों? बिना सिंडिकेट अनुमोदन के विश्वविद्यालय में बड़े बड़े कार्य कैसे हुए? कुलपति कुलसचिव जवाब दो। सिंडिकेट घेराव का नेतृत्व जनाधिकार छात्र परिषद के राष्ट्रीय महासचिव दीपक तथा विज्ञान संकाय से निवर्तमान परिषद सदस्य गंधर्व झा ने संयुक्त रूप से किया, जहां सभी सिंडिकेट सदस्यों को 4 से 5:30 बजे तक नरगोना परिसर में 1.5 घंटा बंधक बनाए रखे। आंदोलनकारी जनाधिकार छात्र परिषद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष कुणाल पांडे तथा महानंद झा ने कहा कि सिंडिकेट में स्थानीय सांसद सहित कई जनप्रतिनिधि शिक्षाविद है, पर विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्या का अंबार लगा हुआ है। देखिए, एक साल बाद आज मिथिला विश्वविद्यालय में सीनेट का बैठक हो रहा है, सिंडिकेट का एक साल बाद बैठक, जिस बैठक को प्रत्येक महीना होना है, वो बैठक विश्वविद्यालय के प्रशासन के तानाशाही रवैये के वजह से एक साल बाद हो रहा है। सिंडिकेट विश्वविद्यालय के सबसे हायर बॉडी है, बिना सिंडिकेट अनुमोदन का कोई भी विश्वविद्यालय में बड़ा कार्य नहीं हो सकता है, और विश्वविद्यालय बिना नियम परिनियम से चलता है। विश्वविद्यालय के जो उच्च पदाधिकारी है उनकी तानाशाही है, बिना सिंडिकेट का बैठक कराया है। अभी इनको सीनेट कराना है अगला महीना, जिस वजह से आनन फानन में सिंडिकेट बुलाया है। छात्रों का समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, उस समस्या को लेकर छात्र संगठन छात्र नेता जब आंदोलन करते हैं तो तानाशाही रवैया अपना करके उस छात्रों पे प्राथमिकी दर्ज करते हैं, झूठी मुकदमा करते हैं। क्या विश्वविद्यालय इसी काम के लिए है? आप विश्वविद्यालय जाकर के देखिएगा तो छात्र का रोना इतना बुरा हाल है, प्रत्येक दिन छात्रों के आंख से आंसू गिरता है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। अभी बीएड में एडमिशन हुआ है 22-24 सत्र में, उसमें घोर धांधली हुई है, सभी सीट एफिलिएटेड कॉलेज के बेचा गया है मोटी रकम लेकर के। डीडी में अधिकारियों के संबंधियों का एडमिशन